नमस्कार दोस्तों, ऑटो टच चैनल की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नर्मदा स्कूटर की गियर डब्बी की अनबॉक्सिंग दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इसको गियर शाफ्ट असेंबली भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस गियर डिब्बी को अनबॉक्स करके दिखाने वाले हैं, इसकी प्राइस बताने वाले हैं और आप इस गियर डिब्बी को कहां से परचेज कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर स्कूटर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये जो आपकी गियर डिब्बी है, ये नर्मदा स्कूटर की गियर डिब्बी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नर्मदा। जो दोस्तों, ये नर्मदा 150 सीसी स्कूटर आया करता था, ये उस गाड़ी की गियर डिब्बी है। तो चलिए, बिना किसी देरी किए हुए आपको इस गियर डिब्बी को अनबॉक्स करके दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह की गियर डिब्बी आपको इस स्कूटर की देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको स्कूटर के स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमसे कांटेक्ट करके डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। हमारे पास सभी प्रकार के स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों, ये गियर डिब्बी को हमने अनबॉक्स कर लिया है और कुछ इस तरह की गियर डिब्बी आपको देखने को मिलती है। गियर डिब्बी की बात करें तो तीन गियर वाली ये गियर डिब्बी आती है, जो कि नर्मदा के जो स्कूटर आते थे उसमें तीन गियर आया करते थे। तो दोस्तों, ये गियर डिब्बी आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको नर्मदा गाड़ी के या फिर कोई अदर स्कूटर के स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमसे डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। हमारे पास लगभग स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट करके डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के स्कूटर्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए।